अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो टाइमली एक्सक्लूसिव है यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के लिए और इसे बाद में पोस्ट किया जाएगा ग्रुप्स में भी, लेकिन कल तक या आज रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बैकलिंक्स बनाते हुए अपना टाइम सेव कर सकते हैं और उन्हें जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं, और क्लाइंट्स के लिए हमने बैकलिंक्स किस तरह क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले बैकलिंक्स, असल बैकलिंक्स वही हैं जिन पर हमारा टोटल कंट्रोल हो, मतलब जिन्हें हम जब चाहें रिमूव कर सकें और जब चाहें ऐड कर सकें। तो हम उसके लिए एक येंडेक्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो येंडेक्स भी एक जीमेल की तरह ही है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी रिलायबल है। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का जो ब्रांड नेम होगा वो लिख सकते हैं और उनका जो पासवर्ड वगैरह होगा वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आई डोंट हैव अ फ़ोन नंबर, स्ट्रीट इस्लामाबाद, ओपिनियन B-20865। ये बैकलिंक्स हैं जो रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए थे। तो अब इन पे मैं आपको न्यू बैकलिंक्स बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे लास्ट पास। लास्ट पास का ये फ़ायदा है कि उसमें ऑटोफिल फीचर होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। शायद कोई और एक्सटेंशन भी होगा इस काम के लिए, लेकिन हम लास्ट पास ही यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई किसी बेहतर का पता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्रिएट अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है तो आपको ये न्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू, क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे ईमेल लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, तो ये लिंक क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने इसमें जाना है ऐड एन आइटम एड्रेस, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है अपने क्लाइंट के रिलेटेड से। यहाँ पे उसके बिजनेस का नाम हो सकता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम, यूज़र नेम, जेंडर, उसके आगे बर्थडे। यहाँ पे कोई भी रैंडम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी, एड्रेस, उसका अगर लोकल बिजनेस है तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसकी कंट्री, स्टेट, पहले कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पंजाब, यहाँ पे पोस्टल कोड, टाइम जोन, यहाँ पे उसका नंबर, फिर यहाँ पे उसका नंबर, सेव।
अच्छा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ से ये 50 मैंने बनाए थे क्लाइंट्स के, तो अब इन पे कंफर्म्ड है कि मुझे कि बन सकते हैं, इस वजह से मैं इन्हें यूज़ करूँगा। यहाँ पे साइन अप और यहाँ से एड्रेस और फिल, तो यहाँ पे जितने फिल कर सकता होगा वो फिल कर देगा। सॉरी, एक चीज़ रह गई थी, वो मैंने अभी ऐड की है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल सेव करना है, वो करने के बाद अब ये ईमेल जो है वो भी ऐड कर देगा। ये देखिए, ईमेल ऐड हो गया। यहाँ पे अब आप अपना पासवर्ड जो आपने कहीं सेव किया हो, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख सकते हैं। ये आपने क्लाइंट को प्रोवाइड भी करना होता है, अगर उन्हें कल को कोई मसला बने और वो रिमूव करना चाहें तो वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। आई हैव रेड, एग्री, कंटिन्यू। मेल आ गई, अब इसे यहाँ से करेंगे वेरीफाई। अब यहाँ से हम अपना लिंक ऐड करेंगे। तो लिंक ऐड करने की फॉर्मेट इधर इन्होंने बताई है, वो ये है कि इधर फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट ले लेते हैं, फिजिक टिप्स। तो अब हम चेक करेंगे कि ऐड हुआ या नहीं। तो ये देखें, ऐड हो गया। इस तरह करके अब हम जाएंगे सेकंड नंबर वाले पे, गुड रीड्स डॉट कॉम। यहाँ पे सेम वही, ऑल आइटम, एड्रेस, फिल। तो ये फिल हो गया। अब पासवर्ड लिखा और साइन अप। यहाँ से जाएंगे प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग्स, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे। इस तरह करके अब जाएंगे नेक्स्ट वन के ऊपर, से भी वेरीफाई करवा लेते हैं।
अब इसे भी करेंगे फिल उसी तरीके के साथ जिस तरह दूसरों का किया है। और ये देखें ये हो गया है फिल, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट नेम। सॉरी असल में हम गलत जगह चले गए थे, हमने जाना है लॉग इन क्रिएट वन और यहाँ पे करना था फिल। सबमिट एडिट प्रोफाइल और यहाँ पे आपकी वेबसाइट। सेव प्रोफाइल, उसके बाद टू द नेक्स्ट वन ऑर्चिड। आप ज़्यादा लिंक्स को एक साथ भी खोल सकते हैं ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। रजिस्टर 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 और रजिस्टर। अब वन बाय वन इनको फिल अप करेंगे। रजिस्टर रजिस्टर पासवर्ड पासवर्ड एवरीवन
यस और रजिस्टर। रजिस्टर यहाँ पे यस और अपनी वेबसाइट का नाम अच्छा जी, अब सबको वन बाय वन वेरीफाई करेंगे। स्किप प्रोफाइल स्किप स्किप वेबसाइट्स यहाँ पे वेबसाइट का नाम सेव चेंजेस अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो जो जो क्रिएट होते जाएंगे आप उसकी साथ साथ लिस्ट भी क्रिएट करते जाएं। एडिट प्रोफाइल यहाँ पे वेबसाइट का लिंक सबमिट और ये आ गया लिंक। अब इसको भी साथ सेव कर दें।
सकती हूँ और इसको भी सेव कर दें। यहाँ पे लिंक प्रोफाइल सेव रिपीट प्रोफाइल एडिट वेबसाइट का लिंक सबमिट फिर सेव वेबसाइट का लिंक सेव प्रोफाइल सेव हो गया। स्किप स्किप वेबसाइट पेस्ट सेव पेस्ट
इस तरह करके आप बाकी बैक लिंक्स भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो इसका लिंक नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।